रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कि किस तरह मक्खन से घी बनाया जाता है। तो ये मेरे पास है तकरीबन 750 ग्राम मक्खन, इसको हम घी की शक्ल किस तरह देंगे, तो देखते रहिए आप कि घी किस तरह बनाते हैं मक्खन से। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो व्यूअर्स, हम बनाते हैं आज आपके सामने मक्खन से घी। तो व्यूअर्स देखिए कि घी मक्खन जो है वो पिघल रहा है। इसको हमने किस तरह, बिल्कुल आपने आँच जो है ही चूल्हे की बिल्कुल आँच स्लो रखनी है, ज़्यादा इसको तेज़ नहीं करना वरना ये जल्दी से जलने लगेगा। तो इसमें से जो इसकी जो ख़ास खुशबू होती है देसी घी की वो नहीं आएगी, फिर जले ही खुशबू आएगी। तो इस तरह हमने इसको हिलाना है और ये पिघल जाएगा मक्खन। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर बनेगा इसका। और वैसे भी देसी घी तो क्या बात होती है, अब हम लोगों ने देसी घी खाना छोड़ दिया है, लेकिन अब कोशिश करें कि देसी घी जो है वो बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। बेशक कम इस्तेमाल करें लेकिन कोशिश करें कि देसी घी हमारी खुराक का हिस्सा रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते थे कि एक कहावत होती थी कि 100 चाचा तो एक प्यो, 100 दवाई तो एक क्यों। तो व्यूवर्स आप देखें कि देसी घी में कितनी ताकत होती है। तो आप इस तरह से इसको लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा रखें। तो आप इसके कोई भी जो स्टेप है वो स्किप मत कीजिएगा, इसको बहुत गौर से देखिएगा। बड़े आराम आराम से इसको इस तरह हलाते जाएंगे कि ये पेंदे से भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा लग जाएगा तो फिर इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, खूबसूरत नहीं रहेगा। बनेगा तो ज़रूर देसी घी लेकिन खूबसूरत नहीं रहेगा। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो गए इसको गर्म होते हुए, तो अब ये बिल्कुल पिघल चुका है। चूल्हे को थोड़ा सा कर लें तेज़, तो इस तरह बराबर इसमें आप चमचा हिलाते रहें। इसमें जो इसकी मक्खन की लस्सी होती है वो जल जाएगी, कुछ जल जाएगी और कुछ ये नीचे बैठ जाएगी। गर्म होने पर ये अच्छे से नीचे बैठ जाएगी और घी इसमें से अलग हो जाएगा। ये बस मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाने से इसकी झाग ख़त्म होना शुरू हो गई है और इसकी जो पकने की आवाज़ है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि अब घी अलग होने में आ रहा है। फिर ये लस्सी से अलग हो जाएगा तो फिर हम इसको इसमें से छान लेंगे। ज़्यादा देर तक महफूज रहता है घी, वैसे ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी ये जो मक्खन की लस्सी होती है वो रह जाए तो घी जो है वो ख़राब हो जाता है, इसका जायका चेंज हो जाता है, तो फिर मज़े का नहीं लगता। अदरवाइज तो घी जो है वो सालों साल भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। ये क्वालिटी है देसी घी में, अल्लाह ताला ने रखी हुई, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें तो बहुत ही क्या बात है उनकी अफादियत की। तो इस तरह हम 2-3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और इसमें बराबर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। बस ये देखिए ये घी तकरीबन गर्म हो चुका है और इससे अलग भी हो रहा है, बल्कि हो चुका है अलग। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा इसी तरह हिलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा घी हो चुका है तैयार और इसकी जो झाग है वो भी जैसे जैसे ये चूल्हे का हीट कम होगी तो ये भी बैठ जाएगी। फिर हम इसको किसी भी छलनी की मदद से, जिसे हम चाय या कॉफ़ी छानते हैं, तो उससे हम इसको छान लेंगे घी को। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे ताकि हम आराम से इसको अलग कर सकें, छान सकें। तो ये बस देखें
इसकी झाग जो बिल्कुल कम हो चुकी है। अब ये घी बिल्कुल तैयार है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रंगत। बहुत ही खूबसूरत सी ये देखिए रंगत इसकी, और बहुत ही मज़े का घी हो चुका है तैयार। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो आपने देखी है कि मक्खन से किस तरह घी बनाते हैं, तो इस तरह से आप घी बनाएं। इसको हम ऊपर से ऐसे छान लेंगे। तो व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।